फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि एफ इक्वल टू एम ए, इसको हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर इसको हम दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं इस इक्वेशन को आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बचपन से आप सब इस इक्वेशन को पढ़ते हुए तो आ ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इक्वेशन क्लासिकल मैकेनिक्स की सबसे पावरफुल इक्वेशन है। खाली इस इक्वेशन की मदद से आप हर एक क्लासिकल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को बता सकते हो, उसके मोशन के बारे में समझा सकते हो, उसके बिहेवियर को बता सकते हो। आप पार्टिकल्स की पॉसिबल स्टेट्स को प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल हमको ये पावर देते हैं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो पार्टिकल कहाँ पर होगा, उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा उस समय, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी क्या पोजीशन होगी, और अगर कोई पार्टिकल अभी यहाँ पर है तो अगले 15 मिनट के बाद वो कहाँ पर होगा, सब कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स से समझाया जा सकता है। यानी कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। हालांकि हायर वेलोसिटी और स्मॉल क्वांटम लेवल पर न्यूटन के नियम हमको फेल होते हुए तो दिखते हैं, बट क्लासिकल वर्ल्ड में ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अब जब हम हायर वेलोसिटीज़ की बात करते हैं तो हमारे सामने आइंस्टीन की रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस आती हैं। आइंस्टीन की सारी रिलेटिविस्टिक इक्वेशन हाई वेलोसिटी पर हो रहे हर एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में हमारी काफ़ी मदद करती हैं। ऐसे ही जब हम स्मॉल स्केल पर आते हैं यानी कि क्वांटम लेवल पर आते हैं तो वेव मैकेनिक्स हमारे लिए काफ़ी यूजफुल साबित होती है। वेव मैकेनिक्स के द्वारा हम क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब अगर आप ओवरऑल इन तीनों चीज़ों को एनालाइज करो तो आपको ये एहसास होगा कि फिजिक्स की हर एक सेपरेट ब्रांच हमारे पास कुछ सर्टेन मैथमेटिकल इक्वेशन छोड़कर जाती है जो कि उस ब्रांच में हो रहे इवेंट्स को डिस्क्राइब करने में हमारी काफ़ी मदद करती है। अब बिल्कुल फोर्स इक्वल टू एम ए की तरह रिलेटिविटी इक्वेशन और वेव मैकेनिक्स की तरह फ्लूइड के बिहेवियर को समझाने के लिए हमारे पास एक काफ़ी पावरफुल इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं नेवियर स्टोक इक्वेशन। जी हाँ, अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है तो आप इसकी यूजफुलनेस को तो जानते ही होंगे, और डेफिनेटली आपने इसका नाम पहले भी कहीं ना कहीं पर जरूर सुना होगा। लेकिन जो इस इक्वेशन को सबसे अनोखा और अमेजिंग बनाती है वो है कि इस इक्वेशन के 3D स्मूथ सॉल्यूशन को फाइंड करने पर क्ले इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स ने $1 मिलियन का प्राइज रखा है। जी हाँ दोस्तों, ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। तो आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स की इसी इक्वेशन के बारे में जानेंगे जिसके ऊपर क्ले इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स ने $1 मिलियन का प्राइज रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन क्लासिकल मैकेनिक्स में फोर्स इक्वल टू एम ए की तरह है। आप इस इक्वेशन को देखिए, यही है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। दिखने में ये इक्वेशन आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की तरह है। बस इसमें जो फोर्स के कंपोनेंट हैं और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा हैं। लाइक इसमें प्रेशर भी है, इसमें एक्सटर्नल फोर्सेज भी हैं जैसे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और विस्कस फोर्स। जिस तरह फोर्स इक्वल टू एम ए किसी भी क्लासिकल पार्टिकल की बिहेवियर को समझा सकती है, उसी तरह नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन किसी भी फ्लूइड के बिहेवियर को समझा सकती है। अब भले ही वो कोई भी फ्लूइड हो, चाहे वाटर, हनी या फिर एयर यानी कि हवा, यानी कि कोई भी चीज़ जो फ्लो हो सकती है, उनके बिहेवियर को इस इक्वेशन से समझाया जा सकता है। देखिए, अगर एक मिनट के लिए इस इक्वेशन के सारे टर्म्स को आप साइड में हटा दो और दो मेजर टर्म्स पर कॉन्सेंट्रेट करो तो यहाँ पर आपको दो मेजर टर्म्स देखने को मिलेंगे, पहला डिफ्यूजन टर्म और दूसरा कन्वेक्शन टर्म। अब ये दोनों ही टर्म काफ़ी ज़रूरी हैं क्योंकि इनकी ही वैल्यू ये डिसाइड करती है कि हमारा फ्लूइड किस टाइप का होगा। हमारा फ्लूइड स्मूथ होगा या फिर उसका मोशन रैंडम होगा यानी कि उसमें टर्बुलेंस होगा, ही इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक गिलास में पानी भरते हो और उसमें जितना भी पानी है उसको सेटल होने देते हो, मतलब उस पानी को खाली रख देते हो जिससे कि पानी में कोई भी रिपल्स ना बचे, उसमें कोई भी मूवमेंट ना हो, पानी बिल्कुल स्टिल हो जाए। अब हम उसमें एक इंक ड्रॉप को डालते हैं, तो अब आप क्या देखोगे, जब पानी में इंक ड्रॉप को आप डालोगे तो वो इंक ड्रॉप ग्रेविटी के अफेक्ट के कारण पानी की सरफेस के नीचे तक जाने लगेगी, और जिस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। लाइक आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो कि डिफ्यूजन कैसे होता है। अब दूसरा केस हम कुछ इस प्रकार से लेते हैं, मान लीजिए आप अपने किचन सिंक के टैप को ओपन कर देते हो और पानी को फ्लो होने देते हो। अब इस केस में जब आप इंक ड्रॉप को डालोगे तो आप क्या देखोगे कि इससे पहले कि डिफ्यूजन स्टार्ट हो, पानी का फ्लो इंक ड्रॉप को नीचे सिंक में पहुंचा देगा। तो ये वाला हुआ कन्वेक्शन का केस, इसमें पानी का फ्लो बिल्कुल स्टिल नहीं है बल्कि टर्बुलेंट है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि स्मूथ फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। स्मूथ फ्लो में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं
वो बिल्कुल स्मूथली फ्लो करते हैं एक के बाद एक, मतलब जिस स्पीड से पहला मॉलिक्यूल फ्लो हो रहा है उसी स्पीड से दूसरा मॉलिक्यूल भी फ्लो होगा। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में लिक्विड का मोशन बिल्कुल रैंडम होता है। अगर पहला मॉलिक्यूल किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा तो हो सकता है दूसरा मॉलिक्यूल उससे कम स्पीड में मूव करे या फिर उससे ज़्यादा तेजी से मूव करे, यानी कि इसमें रैंडम मोशन होता है। तो अब अगर नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में अगर डिफ्यूजन टर्म की वैल्यू कन्वेक्शन टर्म की वैल्यू से ज़्यादा हुई तो इस केस में भाई इक्वेशन स्मूथ फ्लो को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर कन्वेक्शन टर्म की वैल्यू डिफ्यूजन टर्म से ज़्यादा हुई तो इस केस में हमारी इक्वेशन टर्बुलेंट फ्लो को इंडिकेट करेगी। अब हम लोगों को प्रॉब्लम स्मूथ फ्लो में तो नहीं लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में है, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। लाइक आप इस टर्बुलेंट फ्लो को देखिए, इसमें आप पानी के मूवमेंट को देख रहे होंगे, इसमें कुछ एयर बबल्स भी दिख रहे होंगे, वाटर एडीज भी दिख रहे होंगे। मतलब यहाँ पर जो आप मूवमेंट देख रहे हो इनको इक्वेशन में डिस्क्राइब करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। आप खुद ही ये देख सकते हो कि वाटर कितने अजीबोगरीब बिहेवियर के साथ टर्बुलेंस शो कर रहा है। लाइक आप कॉफ़ी में जब शुगर को मिलाते हो तो जब आप शुगर को कॉफ़ी में डालते हो तो शुगर के पार्टिकल किस तरह से उस फ्लूइड के अंदर डिसॉल्व होंगे, किस तरह से वो घुलेंगे, इंडिविजुअली हर एक पार्टिकल को इक्वेशन के फॉर्म में डिस्क्राइब करना बिल्कुल भी आसान टास्क नहीं बल्कि डिफ़िकल्ट टास्क है। अब आप ये कह सकते हो कि इनको सॉल्व करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन की मदद से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर एक बार के लिए हम ये मान लें कि हमारी इक्वेशन में कन्वेक्शन टर्म है ही नहीं तो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब कन्वेक्शन टर्म को हम पूरी तरह से इग्नोर तो नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करना काफ़ी हार्ड होता है। अब ऐसे में हम एक चीज़ कर सकते हैं, अगर हमारा फ्लूइड काफ़ी स्लोली मूव करे तो ऐसे में डिफ्यूजन टर्म की वैल्यू कन्वेक्शन टर्म की वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी। बट अगर हम स्मॉल स्केल पर देखें, फ्लूइड को स्मॉल स्केल पर ऑब्जर्व करें तो हमको तब भी वहाँ पर टर्बुलेंस दिखेगा। मतलब क्या है कि कन्वेक्शन पार्ट को नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से पूरी तरह से हटाना पॉसिबल नहीं है। जरा आप इस लंबी सी इक्वेशन को देखिए, यह है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन की एक एक्सपेंडेड फॉर्म। इस इक्वेशन को देखकर ही आप ये समझ गए होंगे कि इसको सॉल्व करना बिल्कुल भी आसान टास्क नहीं है, खासकर थ्री डायमेंशन में। इस इक्वेशन में थ्री डायमेंशन टर्म्स हैं, अनस्टेडी बिहेवियर, प्रेशर ग्रेडियंट, विस्कस फ्लो, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसमें लगभग 64 कांस्टेंट कोफिशिएंट टर्म्स आएंगे, और हर एक कांस्टेंट कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड करने में हमको एक सेपरेट बाउंड्री कंडीशन की ज़रूरत होगी। मतलब अगर टोटल 64 कांस्टेंट कोफिशिएंट हैं तो उसके लिए हमको 64 बाउंड्री कंडीशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और 64 बाउंड्री कंडीशंस के द्वारा इनको सॉल्व करना मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी आसान टास्क नहीं है। और नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन के सॉल्यूशन में टर्बुलेंस हमेशा मौजूद रहता है, और टर्बुलेंस का होना अभी तक फिजिक्स के लिए एक काफ़ी बड़ी अनसॉल्व प्रॉब्लम रही है। भले ही साइंस और इंजीनियरिंग में हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो गए हों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि टर्बुलेंस। मैथमेटिक्स में क्योस थ्योरी, टर्बुलेंस को आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए आप एक कैंडल को एकदम से बुझा देते हो तो जो स्टार्टिंग में उसका धुआं निकलेगा वो पहले एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसका मूवमेंट बिल्कुल रैंडम हो जाएगा। उसके मोशन को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसका मोशन कैसा होगा, किस डायरेक्शन में होगा, आप खुद ही सोचिए। इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में डिस्क्राइब करना कितना डिफिकल्ट टास्क है। ये इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि इसको केवल हमारा नेचर ही समझ सकता है, हम इंसान इसको नहीं समझ सकते। टर्बुलेंस का नेचर भी बिल्कुल इसी प्रकार का होता है। आप किसी ग्लास में पानी डालते हो तो उसमें भी काफ़ी सारे एयर बबल फॉर्म होते हैं, रिपल्स बनती हैं, पानी का फ्लो ऊपर नीचे होता है। किस पॉइंट पर कहाँ पर स्पाइक आएंगे, कहाँ पर एयर बबल फॉर्म होंगे, कितने समय तक फॉर्म होंगे, इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब हम नहीं कर सकते। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि जब एक एयर बबल ब्लास्ट होता है, टूटता है, तो उस समय उसका एक्सेलरेशन इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। बट वेट, अभी हमने क्या कहा था कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन सारे फ्लूइड्स के बारे में हमको हर एक चीज़ बता सकती है। हाँ बिल्कुल बता सकती है, लेकिन जो कन्वेक्शन टर्म और टर्बुलेंस का केस है वो थोड़ा स्पेशल केस है, और इसी वजह से तो इसको $1 मिलियन के प्राइस में इंक्लूड किया गया है। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि $1 मिलियन पाने के लिए हमको इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना होगा, हमको खाली इसके एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है हर एक कंडीशन में, भले ही वो स्मूथ फ्लो हो या फिर टर्बुलेंट फ्लो हो। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहली हमको हर एक केस में इस इक्वेशन की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है, और दूसरी एग्जिस्टेंस के साथ साथ हमको ये भी शो करना है कि वहाँ पर इसका फ्लो स्मूथ होगा।
मतलब खाली अगर ये प्रूव हो जाए कि ये इक्वेशन हर एक कंडीशन में एग्जिस्ट करती है और हर एक कंडीशन में ये स्मूथ रिजल्ट देती है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको $1 मिलियन का प्राइज मिल जाएगा। वैसे टू डायमेंशन में इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है और उसके बाद से ही अलग अलग लोग अपने अलग अलग तरीके के द्वारा इसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं थ्री डायमेंशन में। लेकिन थ्री डायमेंशन में इसको अभी तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। अब अगर इसको अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी इसको कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि नियर फ्यूचर में पॉइंट करे कंजक्चर की तरह ये इक्वेशन भी जल्दी सॉल्व हो जाए। तो आई होप अब आप नेवियर स्टोक्स इक्वेशन के बारे में समझ गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।